नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथिक पेटेंट ओमियो कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जो कि बीजान कंपनी बना रही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम होने पर आप इसका सेवन कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो डली हुई हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन जैसे कि हम आम भाषा में कब्ज बोल देते हैं, यानी कि आप लोगों के बॉवल्स जब क्लियर नहीं हो पाते, यानी कि आप लोगों के स्टूल्स जब पास नहीं हो पाते, या फिर हम अगर बोलें कि आपका पेट जो है वो साफ नहीं हो पाता, उसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप लोगों का दिन जो है वो काफ़ी ख़राब जाता है, दिनचर्या में बहुत असर देता है, क्योंकि इसकी वजह से आप इरिटेटेड रहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन ठीक करना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। दूसरा ये कि कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से बहुत बार आप लोगों को पाइल्स की शिकायत होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि आप लोगों को बवासीर होने के जो चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, वो बढ़ जाती हैं, या फिशर्स जो हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने पर बहुत बार हम बहुत ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों का जो स्टूल है वो पास हो जाए, बट ऐसा करने पर फिशर्स हो सकते हैं एनल रीजन के ऊपर, या फिर आप लोगों के हेमरॉइड्स हो सकते हैं, पाइल्स की शिकायत आप लोगों को हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत बार आप लोगों को अपने फीकल मैटर के अंदर या स्टूल्स के अंदर आप लोगों को ब्लड जो है देखने को मिल सकता है। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए ओमियो कॉन्स्टिपेशन नाम से टेबलेट्स आती हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही ये आप लोगों का जो पेट का डाइजेशन है, आप लोगों के डाइजेशन को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। डाइजेशन ठीक होगा तो कॉन्स्टिपेशन जो है अपने आप ख़त्म हो जाएगी, और ऐसा करने से आप लोगों की जो शिकायत है कब्ज की वो दूर हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन जो है वो अगर आप चाहते हैं ठीक रहे, आप लोगों को ना हो, तो उसके लिए आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। डाइट जो है आप लोगों का फाइबरस फूड जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, फाइबर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए। तो आप अपना ऑयली फूड को रिस्ट्रिक्ट करें, स्पाइसी फूड को रिस्ट्रिक्ट करें, और पानी की कंसप्शन जितनी ज़्यादा हो सके उतना करें। उससे आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत कम होगी। पानी जो है आप लोगों के डाइजेशन को इम्प्रूव करवाता है और आप लोगों की कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जो है उसको ख़त्म करता है या कॉन्स्टिपेशन होने से रोकता है। इसके साथ ही हम ओमियो कॉन्स्टिपेशन टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन चली हुई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसके अंदर ब्रायनिया एल्बा डाली गई है, जो कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। ब्रायनिया के इस्तेमाल से आपकी कॉन्स्टिपेशन जल्द ठीक हो जाएगी। इससे नेक्स्ट मेडिसिन इसमें हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस डली हुई है, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। आपके पेट को साफ रखने में ये दवाई जो है हेल्पफुल रहती है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव भी करवाती है। इससे नेक्स्ट मेडिसिन इसमें इलिशियम डली हुई है, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। और अगर इससे अलावा हम बात करें तो इसमें सेना नाम की एक होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए एक अच्छी दवा है। और आप लोग जो है ओमियो कॉन्स्टिपेशन टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोसेज जो है वो आप लोगों की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी आप लोगों को शिकायत है उसके हिसाब से इसकी डोसेज आपके डॉक्टर जो है आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो दवा है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करती है, जिससे कि आप लोगों का डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है और आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत अगर ऑलरेडी होती है तो वो ठीक हो जाती है। अगर आपको किसी भी प्रकार का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।